नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम सुनो सरकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी और आज का हमारा विषय नशे की गर्त में युवा। देखिए, ये तमाम विषय इस खास कार्यक्रम में जो हम लाते हैं उनका मकसद यही होता है कि आखिरकार जो हो रहा है वो कितना सही है, कितना गलत है। आप लोगों के लिए ये कार्यक्रम है और आप लोगों के सुझाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि आप क्या सोच रहे हैं, क्या सुझाव हो सकता है इन तमाम चीज़ों को लेके, ये चीज़ें कितनी सही हैं, उस पर हमें बात करनी होती है। तो आज हम जिस चर्चा में बैठे हैं वो है नशे की गर्त में युवा। मुझे लगता है ये एक ऐसा विषय है जो बहुत बड़ा विषय है, और सबसे बड़ी बात ये भी है कि नशा जो कहीं ना कहीं बर्बादी की तरफ ही लेकर आपको जाता है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, हर तरह का नशा होता है, सब चीज़ों का क्राइटेरिया अलग है, लेकिन आज इसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है समाज में, ये जिस तरीके से एक बड़ा विकराल रूप में फैला है, इसको कैसे रोक सकते हैं। यदि नहीं रोक पाएंगे तो फिर आने वाले समय में क्या स्थितियां हमें और देखने को मिलेंगी, क्योंकि निश्चित तौर पर आप कभी भी कोई भी बात इस विषय पर करेंगे तो सभी लोग कहते हैं कि नशे की लत अच्छी नहीं होती। तो जब नशे की लत अच्छी नहीं होती तो आजकल हम देख रहे हैं कि कितने युवा हैं जो इसकी गर्त में जा चुके हैं, और एक बार आपको लत लगी तो फिर आपका आने वाला जो जीवन है, जो समय है, जो आपका भविष्य है, वो कहीं ना कहीं बहुत सफ़र करता है। क्या है आप लोगों की राय, और जो युवा इस तरफ जा रहे हैं कैसे उनको बाहर निकाला जा सकता है, क्या करना चाहिए, यदि आप आदि हैं ही इन तमाम चीज़ों के तो उसके बाद भी कोई ऑप्शन ऐसे होते हैं कि आप क्या कर सकते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम विस्तार से बात करेंगे। मेरी इस चर्चा में हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड और मेरे सहयोगी GS भारती जी भी हैं। भारती जी, बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। भारती जी, क्या लगता है नशे की गर्त में जो युवा आज जा रहा है और ये जो दंश झेल रहा है, इसकी कितनी जरूरत समाज में है, क्या वाकई बहुत है जो इतना बड़ा रूप हम इसका देख रहे हैं? बिल्कुल राकेश जी, की हम बात करें नशे की, तो आज की जो नई जनरेशन है, युवा पीढ़ी जो है, कहीं ना कहीं नशे की ओर बढ़ती ही जा रही है। हम अक्सर देखते हैं कि देर नाइट पार्टियां चलती रहती है, या फिर जो युवा जो होते हैं वो कहीं पे भी स्मोक करते हैं या फिर शराब का आदि हो जाते हैं। तो कई तरह के नशे जो होते हैं, कहीं ना कहीं जो युवा पीढ़ी है उसको एक कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि गलत राह पर जा रहे हैं, या युवा ही यदि इस तरह की नशे का आदि हो जाएगा तो हमारे देश का भविष्य क्या होगा। तो इसमें राखी जी, कहीं ना कहीं शासन एवं प्रशासन को एक कड़े कदम उठाना चाहिए कि इस तरह जो युवा आखिर इस तरह की नशे का सेवन क्यों कर रहा है। कहीं ना कहीं जो युवा है वो काफ़ी तनाव में रहता है, तनाव के चलते इस तरह के नशे का यदि एक बार आदि हो जाता है, सेवन करता है, तो वो खुद ही तो अपना आदि नहीं रहता, अपने साथी जो मित्र मंडली भी रहती है उनको भी कहीं ना कहीं इस ओर खींचता चला जाता है। और एक बार जो नशे का आदि हो जाता है, कहीं ना कहीं वो कई लोगों को अपनी ओर जोड़ता जाता है, और आदत उसकी इस तरह से ख़राब हो जाती है, उसका इतना आदि हो जाता है कि उसको फिर नशे का सेवन करना आवश्यक हो जाता है, और इसी के चलते कई तरीके के वो क्राइम की ओर भी बढ़ता है, कई तरीके के क्राइम भी करने लगता है। और जब जो नशे का आदि हो जाता है तो फिर कहीं ना कहीं आर्थिक समस्याएं जो होती है परिवार में वो भी देखने को मिलती है, क्योंकि उसकी पहली प्राथमिकता नशा करना होता है। इससे कई परिवार भी हमने उजड़ते हुए देखे हैं, और कई युवा जो है, युवाओं का जो भविष्य है वो भी अंधकार में होते हुए देखा है। क्योंकि जब नशा व्यक्ति करता है तो नशे के बाद उसको शायद होश नहीं रह पाता है कि वो सही क्या है उसके लिए या गलत क्या है। तो राकेश जी, देखने को ये भी मिला है कि कई बार जो क्राइम होते हैं, कई बार जो अपराध होते हैं, तो उसके पीछे का जो एक रास्ता या जो वजह देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं एक नशे की रूप में देखने को कई बार मिलती है। बिल्कुल, देखिए ये है, लेकिन ये एक बड़ा अभिशाप जैसा है, क्योंकि आप कितना करते हैं और कितनी आपको ज़रूरत है इसकी, लेकिन इसकी आड़ में बहुत सारी वो एक्टिविटीज़ भी होती हैं जो नहीं होना चाहिए। आप यदि नशा कर रहे हैं, आप अपने लिए कर सकते हैं, लेकिन फिर वही बात आ रही है कि इसकी आड़ में जो चीज़ें होती हैं वो अच्छी नहीं हैं। और आप देखिए ना, कितने केसेस हम देखते जा रहे हैं जो लगातार रोज़ कहीं ना कहीं से हमारे सामने आते हैं, कि जो चीज़ें लीगल नहीं है या उनको मान्यता नहीं है या जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उसके बाद भी बड़ी बड़ी खेप उनकी पकड़ाती है, लोग उसमें संलिप्त पाए जाते हैं,
कार्रवाई की जाती है, लेकिन सवाल वही है कि इसको रोक कोई नहीं पा रहा, इसकी पूरी तरीके से जो खात्मा होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो आखिरकार यदि इसका खात्मा नहीं होगा तो निश्चित तौर पर लोग इसकी चपेट में आएंगे ही आएंगे, क्योंकि आप इतनी मॉनिटरिंग नहीं कर सकते हो इन तमाम चीज़ों की, क्योंकि एक छोटी सी जगह में किसी एक जगह की बात नहीं है, ये तमाम जगह है। और ख़ास तौर पर युवाओं की बात की जाए तो उनकी संलिप्तता बहुत ज़्यादा हो चुकी है। एक सबसे बड़ी बात भारती जी ये भी है कि हमने कुछ चीज़ें तो ऐसी भी देखी हैं कि कहीं स्कूल है या पढ़ने यदि बच्चे जा रहे हैं तो वहाँ भी आसपास छुपके से ऐसी कोई चीज़ें मिल रही हैं, वो उसका अभी हमने मैंने कल परसों ही देखा, एक खबर में ही देखा कि इंजेक्शन्स पड़े हुए थे, इंजेक्शन लिए जा रहे हैं। तो ये नशा है, आप बताइए यदि स्कूल में पढ़ने वाला या उनके उनकी जिससे संगति है उस तरह के लोग बहुत कम उम्र में यदि ये सब चीज़ें करेंगे तो निश्चित तौर पर उनका भविष्य बर्बाद है, क्योंकि आप अभी से उस लत को ले रहे हैं जो आपको बहुत पढ़ना है, कुछ करना है, आगे बढ़ना, अपना भविष्य बनाना है। आप यदि सिर्फ नशा करोगे तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। बिल्कुल राखी जी, यदि हम बात करें नशे की तो कई बार सड़कों के किनारे जो बच्चे होते हैं जो भीख मांगते हैं उनको भी हम देखते हैं कि वो नशे की ओर खींचे चले जाते हैं। तो क्योंकि बच्चा होता है या फिर युवा होता, कहीं ना कहीं इसमें जो पेरेंट्स होते हैं घर के में जो माता पिता होते हैं उनकी भी एक जिम्मेदारी होती है कि बच्चा किस ओर जा रहा है, बच्चा आखिर क्या कर रहा है। क्योंकि माँ बाप बच्चे को एजुकेशन के लिए भी कई बार ऐसा होता है कि घर से बाहर जाना रहता है, बच्चों को बाहर हॉस्टल में रहकर भी पढ़ाई करते हैं, पढ़ने की वजह बच्चों को माँ बाप से भी दूर होना पड़ता है। राकेश जी, देखा जाए तो पहले एक जो परिवार होता था, एक ज्वाइंट फैमिली होती थी, तो कहीं ना कहीं जो बच्चों के ऊपर भी माँ बाप एवं घर के अन्य जो लोग होते थे उनकी भी निगरानी रहती थी, आखिर बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या कोई गलत संगत में तो नहीं है। लेकिन जब युवा पीढ़ी जो है कहीं ना कहीं शिक्षा के लिए भी घर से बाहर रहना होता है, अब जब बच्चा घर से बाहर जाता है तो वो कैसी संगत में है, उसके मित्र कैसे हैं और वो क्या कर रहा है, तो इसकी प्रॉपर जो है मॉनिटरिंग शायद माँ बाप भी नहीं कर पाते हैं और बच्चा भी आजकल इतने तनाव में रहता है। राखी जी, कई बार देखा होगा कि बच्चे को माँ बाप तो काफ़ी अपेक्षाएं रखते हैं, उसको शिक्षा के लिए घर से बाहर भी पढ़ने के लिए भेज देते हैं, हॉस्टलों में रहता है बच्चा। जब बच्चे से माँ बाप की अपेक्षाएं ज़्यादा रहती तो कई बार बच्चा भी माँ बाप की अपेक्षाओं के जो खड़े नहीं उतर पाता है तो वो तनाव में आ जाता है। बच्चे का हो सकता है कि माइंडसेट कुछ और शिक्षा की ओर करना रहता है लेकिन माँ बाप उसको कुछ और शिक्षा दिलाना चाहते हैं, तो कई बार बच्चा जो है वो माँ बाप की अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतर पाता तो वो फिर तनाव में आ जाता है और उसके नशे का सेवन भी कर लेता है तनाव मिटाने के लिए। लेकिन जब नशा करता है तो उस समय शायद थोड़ा तनाव कम हो जाता है लेकिन धीरे धीरे वो इस ओर बढ़ जाता है, तो बच्चा जो है फिर वो इसी के ऊपर डिपेंड हो जाता, नशे का आदि हो जाता। लेकिन राकेश जी, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो दवाएं मार्केट में कानूनी रूप से बंद होती हैं, जो कहीं पर कानून की बगैर परमिशन के नहीं मिल सकती, तो वो जो लोग नशे के आदि होते हैं उन तक ये दवाएं आती कहाँ से हैं, इनको मिलती कहाँ से, तो ये भी एक चिंता का विषय है। क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन की जो इस तरह का रवैया है कि कहीं ना कहीं इस पर कानूनी जो शिकंजा होना चाहिए वो नहीं होता है, इसी के वजह से जो नशे का आदि होता है वो कहीं ना कहीं इस तरह की दवाइयों को लेकर उसका सेवन करते हुए दिखाई देता है। तो राकेश जी, कहीं ना कहीं जो प्रशासन है उसको भी जो जिन दवाइयों के ऊपर प्रतिबंध होता है उनको पूर्ण रूप से ही बंद कर देना चाहिए। और इसके अलावा राकेश जी, आखिर इनका दवाइयाँ बनाई कहाँ जाती हैं, मेन मुद्दा यहाँ पे आता है कि इस तरह की दवाइयाँ कहाँ पे बनाई जाती है और मार्केट में कैसे आ जाती हैं। सिर्फ मुझे लगता है कि प्रशासन की ओर से सिर्फ देखने की कई बार छोटी मोटी कार्रवाइयाँ हो जाती हैं, कार्रवाई होने के बाद में उसके ऊपर किस तरह की कार्रवाई की गई शायद मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की सार्वजनिक इस तरह की घटनाओं को किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही होता है कि इस तरह की जो दवाइयाँ हैं, नशीली ड्रग्स होती हैं, मार्केट में आती कहाँ है और दो नंबर से कैसे मिल जाती है, तो इसके ऊपर भी शासन को सख्त कदम उठाना आवश्यक है। क्योंकि कहीं ना कहीं आज जो युवा है वो आने वाले समय में भारत का भविष्य है। बिल्कुल सही है। और देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी यहाँ पर हो गई है कि आखिर इसकी ज़रूरत
क्यों है युवाओं को, क्यों इस तरफ जा रहे हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है तनाव की, ठीक है, लेकिन देखिए तनाव हर व्यक्ति को है अपनी लाइफ में। किसी को पढ़ाई का तनाव हो सकता है, किसी को काम का तनाव हो सकता है, किसी को बिजनेस का तनाव हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए जीवन में उतार चढ़ाव बना रहता है। अब यदि उस तनाव में जाकर, बहुत छोटी उम्र की यदि हम बात करें, जो स्कूल कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पास तो उनकी पूरी एजुकेशन है, माता पिता ने उनको इस लेवल तक पहुंचाया है, तमाम चीज़ें हैं। आप यदि किसी भी चीज़ के तनाव में हैं तो आप बात कर सकते हैं, लेकिन नशे का सेवन करेंगे तो क्या होगा, आप थोड़ा सा तनाव कम कर लेंगे लेकिन वो जो लत आपको लगेगी वो आपका पूरा जीवन बर्बाद करेगी। चलिए, और इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ ग्वालियर से जुड़े हैं, ईशांत शर्मा। ईशांत, बहुत स्वागत, जुड़ने के लिए क्या कहना चाहते हैं? मैडम, सबसे बड़ी बात तो यह है कि सबसे पहले खबर भारत को धन्यवाद, जिस तरीके की मुहिम जो आपने छेड़ी है, जो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश को आप बता रहे हैं कि नशा की जो लत जो नए युवाओं की पड़ी है वो आखिर क्या है, सही है या गलत है। बिल्कुल इस तरीके की मुहिम जो आप चला रहे हैं तो आप बिल्कुल धन्यवाद के पात्र भी हैं, और खबर भारत को मैं मानता हूँ कि सब लोग धन्यवाद देना भी चाहिए। अब बात करते हैं नई युवा पीढ़ी की, तो लगातार युवा पीढ़ी जो नशे का जो आदि होता जा रहा है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन इस पर गौर नहीं कर रहा है। प्रशासन हर चीज पर गौर करता है, हर चीज पर गौर है, पर प्रशासन की नए युवाओं की चिंता प्रशासन को नहीं है, शासन को नहीं है। अगर शासन का आदेश निकलता है तो प्रशासन उसकी आनाकानी कर देता है, अगर प्रशासन कुछ करता है तो नीचे के लोग आनाकानी कर देते हैं। कहीं ना कहीं देखिए, मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमारे ग्वालियर अंचल की बात बता रहा हूँ, जगह जगह किरानों की दुकान पर शराब बिक्री हो रही है जो कि बच्चे बेच रहे हैं। कई जगह पर ऐसे माहौल है जहाँ बच्चे स्वयं भाजनर जैसे नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, जिससे कि उनके फेफड़ों में काफी नुकसान हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं जीवन उनका गर्त में जा रहा है। बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि प्रदेश की सरकार को सबसे पहले युवा पीढ़ी पर, अगर ये युवा पीढ़ी किस तरह जा रही है तो उसके लिए कहीं ना कहीं विभाग होना चाहिए। विभाग ना हो तो प्रशासन को शासन से, क्योंकि शासन को प्रशासन से कहना चाहिए, कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी जो नशा जो नशा का उपयोग कर रही है तो उस पर रोक लगाना चाहिए। कई जगह गांजे का बहुत बड़ा व्यापार चल रहा है, सिंडिकेट, कई तरीके के लोग व्यापारी जो कि नशे का काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं लोगों को अगर देखिए, मैं आपको एक बात और बताऊंगा, मेडिकलों पे अधिकतर जो मेडिकलों पे जो दुकानों पे जो दवा मिलती है आजकल, ऐसी दवा मिलती है जो कि लोग उसका सेवन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन सबको जिला स्तर पर कलेक्टर हो या तहसीलदार हो या SDM हो, सभी जगह के जो कि मेडिकलों पर जाना भी चाहिए, वहाँ पूछना चाहिए किस तरीके कौन क्या दवा करिए, जिससे कि युवा पीढ़ी बच सकेगा। जी मैडम, धन्यवाद। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया ईशान जी जुड़ने के लिए, और अच्छी बात आपने कही है कि शासन प्रशासन को इसके लिए सख्ती करनी चाहिए। पर बात वही हो जाती है कि देखिए ऐसा नहीं है, मैंने कहा ना, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको बहुत ज़्यादा अलाउ किया गया है, ये तो इलीगल चीज़ें हैं, और निश्चित तौर पर बड़ी बड़ी खेप पकड़ाती है। जो लोग इसकी गिरफ्त में आते हैं उनसे पूछताछ होती है, उन पर कार्रवाई होती है, बावजूद इसके ये धड़ल्ले से तमाम लोगों तक पहुंच रही है। और आज जिस मध्य प्रदेश में हम हैं, यहाँ पर भी जो युवा है वो नशों में बिल्कुल उनकी संलिप्तता बढ़ती जा रही है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि प्रशासन की तरफ से कमी है, प्रशासन नहीं रोक पा रहा, या फिर कोई मिलीभगत होती है, कहीं ना कहीं प्रॉफिट जाता है, कुछ तो है, क्योंकि ऐसे तो नहीं इतनी बर्बादी हो जाएगी, या ऐसे ही तो युवा इतना संलिप्त नहीं है। अब सबसे बड़ी बात है कि क्या इन लोगों को समझाया नहीं जा सकता, क्या इसके लिए कोई जागरूकता अभियान की ज़रूरत है? भारती जी, मुझे ऐसा लगता है आज का युवा बहुत समझदार है और वो खुद इतना समझ सकता है। हम छोटे बच्चों को यदि छोड़ दें, हम स्कूल के बच्चों को भी यदि छोड़ दें, लेकिन आज के समय में बहुत समझदार लोग हैं युवा, खास तौर पर यदि वो कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं, मैं स्टूडेंट भी बोलूंगी, यदि कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं, मुझे लगता है उनको अपना अच्छा बुरा समझ में आता है। मैं आज के जनरेशन की बात कर रही हूँ, तो मुझे नहीं लगता इनके लिए अलग से कोई अभियान चलाने की जरूरत है कि आप लोग ये मत करिए। उन्हें भी पता होगा कि यदि इसकी लत लग गई तो उनका जीवन बर्बाद होना है, उनकी हेल्थ खराब होनी है, उनके माता पिता को आगे यदि समाज में उनको शर्मिंदगी महसूस होगी यदि कोई गलत चीजें होती हैं, तो बावजूद उसके वो कर रहे हैं। अब या तो उनको लगता है कि ये इंजॉय है उनकी लाइफ का, या वो मेंटल सुकून होने के लिए करते हैं, लेकिन आने वाले समय में इनके लिए मुश्किल है ये। बिल्कुल राखी जी, क्योंकि देखा जाता है कि जो छोटे बच्चे हों सड़कों के किनारे वाले, या फिर हम बात करें स्कूल कॉलेजों की, तो बच्चा एक बार इसके ओर चला जाता है तो फिर इसी की ओर बढ़ता जाता है, नशे की। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जो नशा होता है इनको आसानी से कैसे उपलब्ध हो जाता है। कई तरह के जो नशा है उसमें गांजा भी है, कोकीन है, चरस है, हीरोइन है, और डेंडा राइट्स है, स्मैक है, थीनर है, बोन फिक्स,
तो ये कई और इंजेक्शन भी हैं, कई तरह की जो नशीली दवाई होती हैं, आखिर इनको आसानी से कैसे मिल जाती है? क्योंकि जब युवा इसकी ओर बढ़ जाता है तो राकेश जी कई बार क्राइम भी बढ़ता जाता है, कई बार इसी के आदि होने की वजह से चोरी की घटनाएं भी बढ़ जाती हैं, लूटपाट की घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि एक बार युवा इस ओर बढ़ जाता है तो उसके पास कोई पैसे तो कहीं से आता नहीं। यदि माँ बाप उनको सिर्फ शिक्षा के लिए पैसा देते हैं, उसके खर्च के लिए देता है, तो वो कहीं ना कहीं उसको दूसरी ओर अपने नशे में लगा देता है, और लगाने के बाद में उसको खर्च के लिए परेशानी आती है, तो कहीं ना कहीं फिर वो गलत रास्ते पर चलने को मजबूर हो जाता है, तो कई बार चोरी की घटनाएं करने लगता है, लूट करने लगता है। तो ये जो एक समाज को युवाओं की तरफ से गलत मैसेज जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बढ़ता जा रहा है। मुझे लगता है राखी जी कि युवाओं को इसकी नशे की ओर जाने से रोकने के लिए कहीं ना कहीं प्रशासन को सख्त कदम उठाने चाहिए। कई जो नशा मुक्त केंद्र भी खोले गए, जो नशा को मुक्त कराने के लिए केंद्र होते हैं, लेकिन उसका प्रचार प्रसार युवाओं में कम देखने को मिलता है। युवाओं को एवं समाज में भी इस तरह की जो इससे हानि होती है तो उसका भी प्रचार प्रसार अधिक होना चाहिए, और कहीं ना कहीं युवा जो है इसकी लत के चलते अपनी दिनचर्या खराब कर बैठता है, और सोने का समय भी खराब हो जाता, खान पान भी खराब हो जाता, और कहीं ना कहीं अपना शरीर जो है वो भी खत्म करता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि नशा जो है, नशे से शरीर के साथ साथ मानसिक विकास और सामाजिक एक स्तर होता है वो भी कहीं ना कहीं गिरता चला जाता है, और जब युवा इस तरह के नशा करता है तो कहीं ना कहीं समाज में उसकी छवि भी खराब होती है, और माँ बाप जो उससे कई अपेक्षाएं लगाते हैं कि बच्चा आगे चलकर कुछ अच्छा करेगा समाज के लिए एवं घर परिवार के लिए, देश के लिए। तो राकेश जी, यदि जब युवा इस तरह के नशे के आदि हो जाएगा, नशे में उलझता चला जाएगा, तो फिर वो कैसे विकास करेगा? बिल्कुल, खुद का विकास भी कर पाना मुश्किल है, तो समाज का और प्रदेश देश का विकास कैसे हो पाएगा? चलिए, ग्वालियर से हमारे साथ सुरेंद्र मौर्य जी जुड़े हैं। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत जुड़ने के लिए, क्या कहना चाहते हैं? सुरेंद्र जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी मैडम, नमस्कार, आवाज आ रही है? जी बोलिए। जी मैडम, ये नशा मुक्ति का जो मुहिम चल रही है, मैडम थोड़ा उसके बारे में जानकारी लेनी है। हाँ, आप अपना सुझाव दे सकते हैं। एक्चुअली हमारा ये खास कार्यक्रम इसीलिए है कि आजकल के जो युवा हैं, जो नशे की गर्त में जा रहे हैं, या जो नशे का इतना बड़ा विकराल रूप हम देख रहे हैं, इसकी जरूरत समाज को क्यों है, या फिर आपका कोई सुझाव हो कि ये कैसे कंट्रोल हो सकता है? जी मैडम, मेरा सुझाव तो फिलहाल इतना ही है कि पहले तो शराबबंदी को बंद करना चाहिए। सबसे पहली चीज तो मेरा तो ये मानना है कि जो शराबबंदी ये बंद हो जाएगी तो कहीं ना कहीं तो उसका असर पड़ेगा। और बिल्कुल, शराब बंद हो जाएगी तो कहीं ना कहीं सभी लोग जो हैं वो नए नए युवा हैं तो इसका सेवन भी नहीं करेंगे। अब कारण ये है कि पुलिस भी अपना काम नहीं करती है मैडम, जगह जगह पर जो चलता है हर जगह मिली भगत के कारण छोड़ देते हैं, किसी को पकड़ते हैं, किसी को छोड़ देते हैं जगह जगह पर। आजकल क्या चल रहा है कि गांव देहात में भी लोग शराब बना रहे हैं। जो शराब मिलती है सरकार वाली ठेके से मिलती है वो अलग है, और आजकल नई नई शराब वो चालू हो गई है। ये गाँव में शासन प्रशासन कुछ सोचते ही नहीं है, और गाँव में चल रही है, कोई लोग देखभाल पर नहीं है। पर ये सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों को शराब जो लोग नए नए जो नशा कर रहे हैं, तो उनको देख भेद के लिए कहीं ना कहीं सब लोगों को सामने आना चाहिए, और गांव वालों को भी आगे आना चाहिए। पर कारण ये कोई नए युवाओं को देख नहीं रहे। चलिए, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो बात यही है कि शासन प्रशासन की तरफ सख्ती होना चाहिए, लेकिन फिर भी हो रहा है। भारती जी, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ चीजों में हमने ये देखा है कि कार्रवाई तो होती है, लेकिन बाद में कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई केस नहीं देखा कि बहुत बड़ी कोई कार्रवाई हो गई हो, या सजा हो गई हो, या इस चीज को बैन कर दिया गया हो, ये सब नहीं होता। ये क्या दर्शाता है कि कहीं ना कहीं प्रॉफिट उधर भी जा रहा है, या कोई मिलीभगत हो सकती है, क्या मतलब हम आके इसे? बिल्कुल राकेश जी, क्योंकि जो कार्रवाइयाँ होती हैं वो सिर्फ देखने के ही होती है। उस पर मुझे लगता है कि जो प्रशासनिक कार्रवाइयाँ होती वो सख्ती से होनी चाहिए, और इसका निरंतर रूप देखने को मिलना चाहिए। आजकल के जो युवा हैं वो यहाँ पे सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान या फिर नशे का सेवन नहीं करना चाहिए, वहाँ पर भी कई लोगों को इस तरह से देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्थाएँ हैं वो व्यवस्थाएँ मुझे नहीं लगता है कि सही तरीके से उनका पालन
किया जा रहा है, क्योंकि जब सार्वजनिक स्थल होता है वहाँ पे यदि इस तरह के धूम्रपान करते हुए देखे जाते हैं तो किसी तरह का जुर्माना नहीं किया जाता है, किसी तरह की पेनाल्टी नहीं की जाती है, तो ऐसे जो लोग हैं जो आदि होते हैं नशे के, तो उनको श्रेय और ज़्यादा मिलता है क्योंकि कानून का उनमें भय नहीं होता है। कई बार ये भी देखने को मिलता है कि चौक चौराहे जो होते हैं वहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व के लोग होते हैं, वो भी शराब का सेवन करते हुए देखे जाते हैं, वहीं से कई राहगीर भी निकलते हैं, कई लोग भी निकलते हैं, महिलाएं भी निकलती हैं, तो वो भी उनकी जो छेड़ छेड़खानी होती है, कहीं ना कहीं तृष्णा की शिकार भी होती हैं। तो इस तरह यदि समाज के लोगों को भी आगे आना होगा, इस तरह के लोग यदि सार्वजनिक स्थल पर शराब का सेवन करते हैं या जो नशीली दवाओं का सेवन करते हैं, उसको सार्वजनिक रूप से सामाजिक स्तर पर भी उनका विरोध करना आवश्यक है, क्योंकि ये समाज के लिए भी एक अभिशाप है। यदि इसी तरह से बढ़ता नशा युवाओं में बढ़ता रहा तो समाज के लिए भी ये हानिकारक है। तो मुझे लगता है कि सरकार के अलावा, प्रशासन के अलावा, समाज के लोगों को भी जागरूक होना आवश्यक है। बिल्कुल, हमारे साथ अंकित शर्मा जुड़ गए हैं। अंकित, बहुत स्वागत जुड़ने के लिए, क्या कहना चाहते हैं? मैडम, जो ये नशे के बारे में जो अभी चल रहा है मैडम, तो ये शासन प्रशासन की इतना बड़ी लापरवाही है मैडम, क्योंकि शासन प्रशासन इस पर गौर नहीं करता है मैडम। और जो जैसे पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन क्या करता है, इनको जैसे नशा मुक्ति वाले जो लोग रहते हैं, जैसे इसमें हुआ गांजा हुआ चरस हुआ, जो लोग आते हैं तो इनपे क्या केस वगैरह नहीं बनाते हैं, पैसा वगैरह लेके इनको छोड़ दिया जाता है मैडम, अधिकतर जो सामने आता है। और एक मैडम जो कच्ची, अच्छे अच्छे गाँव में कच्ची दारूएं बन रही है, जैसे नौसादार है जब मिलना बंद हो जाए, फिटकड़ी है इनको जब मिलना बंद हो जाए, गुड़ है इनको गुड़ मिलना बंद हो जाए, तो ये कच्ची दारू नहीं बना पाएंगे मैडम। तो इसमें क्या शासन प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। अच्छा, आपको क्या लगता है, आजकल के जो युवा इस तरफ ज्यादा जा रहे हैं, तो युवाओं को सिर्फ क्या मत है आपका कि युवा इस तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित क्यों है, नशे के प्रति क्यों आकर्षित? मैडम, ऐसा है कि बच्चों के माँ बाप इनको बाहर पढ़ने के लिए भेज देते हैं, जो बच्चों को बाहर भेज देते हैं, इनके बाद इनकी गौर नहीं करी जाती मैडम। तो ये जो माहौल में ढलते जाते हैं, इनको जैसे दोस्त और मित्र मिलते हैं तो धीरे धीरे उस नशे के आदि हो जाते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया अंकित जुड़ने के लिए। ठीक है, एक बात ठीक थी भारती जी, इन्होंने एक बात बोली है कि आजकल की जो जनरेशन है और इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है कि सभी लोग मोस्टली बाहर निकलते हैं अपने फ्यूचर के लिए और आगे कुछ बनने के लिए, अपने काम के लिए, लेकिन उनकी जो संगत होती है वो कहीं ना कहीं उस तरफ, आप जिस माहौल में रहते हैं वैसे ही ढलना शुरू कर देते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि आपकी संगत कैसी है, आपके संस्कार भी तो हैं उसके साथ, आपको तय करना है कि आपको क्या करना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हर चीज़ का ध्यान रखते हैं कि मुझे काम के वक्त काम करना है, या मुझे यदि नशा करना है तो ठीक है, वो हैबिचुअल नहीं होते उस चीज़ के, है तो ठीक नहीं है तो ठीक, लेकिन इतना ज़्यादा करना मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हानिकारक है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, सुनील तिवारी सतना से। सुनील जी, बहुत स्वागत जुड़ने के लिए, क्या कहना चाहते हैं? पहले तो धन्यवाद दूंगा मैडम, फिर अपनी बात कहूंगा जी। बड़ी बात यह है कि जिन हाथों में, मुझे लगता है, कलम और किताब होनी चाहिए, वर्तमान में उनके हाथ में जो है सिगरेट, गांजा, शराब और कोरेक्स की शीशियां पाई जा रही। बड़ी विडंबना है राष्ट्र, चूंकि जिस तरह से ये हालात है वर्तमान में, नशा के गिरफ्त में जिस तरह से युवा हैं, तो मैं तो यही कहूंगा कि ये राष्ट्र और समाज के लिए कलंक होता जा रहा है और परिवार के लिए भी अभिशाप होता जा रहा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि युवाओं का सबसे ज्यादा रुझान नशे का, नशे में तो है ही, साथ साथ उसके युवतियां भी शिकार हो रही हैं नशे के। और कुछ लोग तो फैशन करते हैं, कुछ लोग मानसिक तनाव को दूर करने के चक्कर में ऐसा करते हैं। वहीं सबसे बड़ी चीज ये है कि लगातार लोग अवसादों से ग्रसित हो रहे हैं, युवा पीढ़ी जो है उनकी जो भावनाएं हैं वो बड़ी कुंठित हो रही हैं, संकीर्ण विचारधाराओं के हो रहे हैं युवा। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है मैडम कि जो भारतीय संस्कृति रही है, वास्तव में परंपरा रही है, सयानों के पास बैठना, बुजुर्गों से बातचीत करना, उन संस्कारों को लेना, वैदिक सभ्यता और संस्कृत को समझना, पढ़ना, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं। और ये पश्चिमीकरण का समावेश इन पर ज्यादा हुआ, नेट इंटरनेट लगातार यूज करना, कई चीजें करना, और पश्चिमीकरण के कारण लगातार अवसादग्रस्त प्रेम करना, और ये सारी चीजों के साथ साथ बेरोजगारी, अशिक्षा और ज्यादा अपेक्षा भी मुझे लगता है अभिभावकों की हो जाती है, जिसके कारण युवा
नशे की गिरफ्त में है। मैं बताऊं मैडम कि मैं सतना जिले से हूं और सतना जिले के बिरसिंहपुर तहसील में अपन रहते हैं। बिरसिंहपुर तहसील का ऐसा कोई मेडिकल स्टोर नहीं होगा, 99% मेडिकल स्टोरों में लगभग कोरेक्स और गोलियां मिल जाती है। हालांकि पुलिस समय समय पर कार्रवाई करती है, छापेमारी करती है, सरकार भी अपना केवल कागजी पूर्ति करती है। मुझे लगता है डिबेट करा लेगी, बहुत ज्यादा होगी, नशा मुक्ति अभियान चला लेगी, लेकिन उसके नशा मुक्ति अभियान में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पुलिस कार्रवाई कर देती है, कुछ दिन के लिए उनको जेल भेज देती है और वो अपराधी लोग फिर से आते हैं और मेडिकल स्टोरों से जो है कुरेक्स बेचते हैं। मैं आपको बताऊं सुनील जी, एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे, आपको क्या लगता है इन चीजों को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? युवा खुद जागरूक हो या उनको जागरूक करना पड़ेगा या प्रशासन को सख्ती करनी पड़ेगी? मुझे लगता है प्रशासन को सख्ती सबसे पहले करनी पड़ेगी। युवाओं को तो जागरूक होना महत्वपूर्ण होगा ही, और जब तक युवा जागरूक नहीं हो पाएंगे, जब तक उसका यूज करना बंद नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि उसमें बहुत ज्यादा कमी नहीं आएगी। पर प्रशासन को कानून भी कठोर बनाना चाहिए। जब तक कठोर कानून नहीं बनाए जाएंगे, जब तक नियमों में परिवर्तन नहीं किया जाएगा और ऐसे लोगों को विशेष इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक मुझे लगता है इसमें सुधार नहीं आएगा। ठीक, चलिए सुनील जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि यदि आपके भी कोई सुझाव हो, यदि आप इस नशे की गर्त में जो युवा जा रहा है उन्हें कुछ कहना चाहते हैं, उन्हें कोई सुझाव देना चाहते हैं, या इस लत से कैसे बाहर निकलें, ये जो नशे का अभिशाप है इससे कैसे बाहर निकलें, इसे कैसे पूरी तरह से खत्म किया जाए, यदि आपके कोई सुझाव हैं तो आप भी हमें कॉल करके अपनी बात हम तक पहुँचा सकते हैं। भारती जी, बिल्कुल राखी जी, जिस तरह से ये नशा करते हैं, आखिर नशा क्यों करते हैं ये हमारी युवा पीढ़ी है, तो ये नशे की ओर क्यों जा रही है? एक्चुअल दरअसल बात ये होती है कि नशा दो तरह का होता है। एक जो नशा होता है वो कहीं ना कहीं जो एक तनाव होता है उससे मन की शांति के लिए, कई बार जब जो नशा होता है तो उससे नींद ज़्यादा आती है और मतलब जो बेचैनी होती शायद वो ख़त्म हो जाती है। और एक नशा जो होता है वो शरीर में उत्साह लाता है, एनर्जी लाता है। लेकिन राखी जी, बात यह होती है कि जो हमारे शरीर की कार्य क्षमताएँ हैं वो कितनी है। नशा सिर्फ हमारे लेवल को बढ़ा सकता है या घटा सकता है। तो जो शरीर में एनर्जी जो लाता है नशा, तो क्योंकि हमारे शरीर की कार्य क्षमता से अधिक उससे एनर्जी मिलती है, तो वो एक समय के लिए मिलती है और फिर उसको बरकरार करने के लिए फिर उसी तरह का जो नशा करता है व्यक्ति को, उस लेवल का नशा उसको करना होता है। धीरे धीरे ये नशे का स्तर जो है बढ़ जाता है। तो यही एक वजह होती है कि यदि नशा नहीं करता है तो शरीर उसका जो है वो बड़ा ही बीमारी जैसा अपने आप को फील करता है। तो कहीं ना कहीं अपने आप को सही रखने के लिए फिर वो नशे का आदि हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि नशा जो व्यक्ति करता है वो शायद अपना जो एक मानसिक संतुलन है वो कहीं ना कहीं खो देता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब नशा व्यक्ति करता है तो उसकी कई वजह होती है। राखी जी, आज के जो हम समाज की बात करें या भागम भाग जो लाइफ है और जो हम एक विकास विकसित समाज की ओर बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें व्यक्ति को काम करने की जो दबाव होता है, प्रेशर होता है, वो भी होता है। कई बार जो छात्रों की तरफ देखा गया कि उनको पढ़ाई को लेकर भी कई दबाव होते हैं, तो व्यक्ति जो कहीं ना कहीं जो मानसिक दबाव होता है, मानसिक दबाव को कम करने के लिए नशे की ओर चला जाता है। जबकि यदि व्यक्ति जो कार्य करता है उसमें घर परिवार से यदि बात करे और अपने तनाव बताए, शेयर करे, तो शायद मुझे नहीं लगता कि तनाव उसका बढ़ने की अपेक्षा शायद कम हो जाए। क्योंकि लोग आजकल परिवार से, घर से और मित्रों से भी कहीं ना कहीं कार्य करने की वजह से या जो कॉलेजों का दबाव होता है उसकी वजह से लोग दूर होते जा रहे हैं। और जो समाज में एक सकारात्मक सोच लेकर चलना चाहिए या फिर एक पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए, तो वो युवाओं में एवं जो नशे के आदि होते हैं उन लोगों में राखी जी देखने को ये कम मिल पा रही है। बिल्कुल, तो देखिए नशे से क्यों बर्बाद हो रहा है युवा, या नशा महत्वपूर्ण क्यों है समाज के लिए भी। समाज की बात यहाँ इसलिए हो रही है क्योंकि हम ज़्यादातर चीज़ों को इतना ज़्यादा बढ़ते हुए देख चुके हैं कि शायद उनको समझाने वाला नहीं है, या वो समझना नहीं चाहते, या फिर उनका बहिष्कार नहीं हो रहा है कि जो लोग इस तरह से मिलेंगे या इस तरह की गतिविधियों में मिलेंगे उनको उनका बहिष्कार किया जाएगा, क्योंकि उनको सुधारने के लिए या कुछ ना कुछ सख्ती आपको करनी होगी। अब प्रशासन के स्तर पर कार्रवाई की बात होती है, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि ये सब कुछ टाइम के लिए होता है। ये हमेशा इतने स्ट्रिक्ट यदि हो जाएं
या शुरू से प्रॉपर तरीके से इन चीज़ों को बैन कर दिया जाए तो नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी। इसकी एक वानगी आप देखिए, क्योंकि नशे पर हम बात कर रहे हैं भारती जी, तो हमने तो लॉकडाउन का समय भी देखा था जब लोगों को शराब नहीं मिलती थी तो बहुत सारे लोग नशे के लिए सैनिटाइजर भी पी गए, उनकी जान को भी खतरा हुआ। तो इतनी लत में यदि आप चले गए हैं कि आपको लग रहा है बस कुछ भी चाहिए, तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। और जब वो चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं तो आप क्राइम करने से भी चूकते नहीं हैं। जैसा कि आपने कहा था, या तो वो चोरी करेगा या तो फिर किसी को आप हिट कर सकते हो, उससे कोई चीज़ आपको छुड़ानी है। आपका जो दिमाग है, क्योंकि नशा देखिए शरीर के साथ साथ आपके ब्रेन को भी खराब कर रहा है, आपकी सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल ठीक नहीं रहती, आपको क्या करना है। तो जब ओवरलोड होता है किसी चीज़ का या आप अति तनाव में चले जाते हैं तो इससे सिर्फ और सिर्फ आपका, आपके परिवार का, आपके समाज का नुकसान होना है। और आप तो करते हैं, आप तो जाहिर है बर्बादी की तरफ। आप जो चीज़ें करते हैं या उसकी जो प्रतिक्रियाएँ दिखती हैं, सामने वाले को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं ऐसे लोग। बिल्कुल राखी जी, जो नशे का अभी हम कहें कल्चर है या चलन जो है, कहीं ना कहीं बढ़ता ही जा रहा है। इसका एग्जांपल यदि उदाहरण की यदि हम बात करें तो फिल्म इंडस्ट्रीज की यदि हम बात करें तो युवा जो है फिल्म जो स्टार होते हैं, फिल्मी स्टार होते हैं, कहीं ना कहीं उनको देखकर भी शायद अपना भविष्य की उनको देखकर अपने भविष्य भी शायद उनकी तरह संवारने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिल्म इंडस्ट्रीज में अभी कुछ समय से इतने ज़्यादा जो नशे के लोगों को देखने को मिला है कि कई जो स्टार प्रचारक रहे, जो लोग कहीं ना कहीं अपने युवा भी अपने उस ओर ले जाना चाहते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं नशा करते हुए पाए गए। और नशे जब राखी जी, मुझे लगता है कि जो फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह का नशा करते हैं तो युवाओं में भी एक उत्साह रहता है कि शायद नशा करने के बाद इतनी पॉपुलरिटी मिलती है, लोगों में पहचान होती है। तो युवा जो है राखी जी, कहीं ना कहीं समाज के में इस तरह के जो कल्चर है उसको देखकर भी बढ़ता है। तो जो फिल्मी दुनिया की यदि हम बात करें, इस तरह के स्टार यदि नशे का सेवन करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं राखी जी ये इससे मैसेज भी गलत जाता है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के जो नशा जो व्यक्ति करता है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कानून को भी सख्त कदम उठाने चाहिए, जिससे कि इस तरह के जो समाज में युवाओं में इस तरह को एक कल्चर बढ़ता जा रहा है तो वो ना बढ़े। और राखी जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आजकल होटल्स वगैरह भी देखें तो वहाँ पे लोग हुक्का जो का सेवन खुलेआम करते हैं, तो उससे जो युवा इस तरह का बहिष्कार करते हैं, जो नहीं करते तो कहीं ना कहीं वो भी देख कर कि चलो इसको ये करते हैं तो इसका मतलब स्वाद कैसा होगा या इसके करने के बाद क्या होता, तो धीरे धीरे लोग देख कर भी इसका सेवन करते हैं। तो जब प्रशासन की यदि हम बात करें तो प्रशासन को जो ढाबे होते हैं सड़कों के किनारे या रोड किनारे, वहाँ पे जो शराब होती है खुलेआम मिलती है, जो जबकि प्रतिबंधित होती है, उसका प्रशासन की तरफ से भी कुछ जो स्थान है वो निश्चित किए गए हैं। लेकिन इसके अलावा भी खुलेआम शराब का मिलना या जो नशीले पदार्थ होते हैं उसका मिलना, या फिर जो हुक्का वगैरह जो होते हैं जगह जगह युवा वहाँ पर उसका सेवन करते हैं, तो प्रशासन की तरफ से इन पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती है। तो राखी, इस पर यदि कार्रवाई नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं युवा भी इसकी ओर खिंचता चला जा रहा है ना। बिल्कुल। और देखिए एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है, हमने ये भी देखा है कि समाज में इसको लेके बहुत सारे लोग जागरूक हैं और इसकी जागरूकता को फैलाने के लिए कई संस्थाएं भी हमने देखी हैं। देखिए नशा मुक्ति केंद्र भी होता है, कुछ संस्थाएं भी होती हैं जो लोगों को जागरूक करती हैं इसके प्रति कि आप नशे की लत में मत जाइए, नशे की गिरफ्त में मत जाइए, इससे कहीं ना कहीं आपका नुकसान है। लेकिन उन संस्थाओं के पास कितने लोग पहुँच रहे हैं या वो संस्थाएँ कितने लोगों तक पहुँच रही हैं, ये भी मुझे लगता है एक बहुत बड़ा सवाल है भारती, क्योंकि यदि संस्थाएँ हैं और वहाँ पर वो लोग हैं जो नशे में, यदि कोई नशे के गिरफ्त में आ गया है उसको वो सुधारने का काम कर सकते हैं, उनको वो एक काउंसलिंग का काम कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कोई व्यक्ति यदि खुद से सोचे पहले कि नहीं मुझे ऐसी आदत हो गई थी लेकिन अब मुझे इसको छोड़ना है या पीछे हटना है, मुझे इससे मुझे आने वाला भविष्य देखना है, तो उसके लिए आपको उनके पास जाना होगा, आपको बात करनी होगी, क्योंकि संस्थाएँ काम कर रही हैं, वो आपको उस गर्त से निकालेंगी। लेकिन आप यदि ये सोचेंगे कि नहीं सिर्फ चलना ही है, यदि शौक है तो ये शौक निश्चित तौर पर आपको ले डूबेगा। अब मुझे ऐसा लगता है भारती जी की जो संस्थाएं काम करती हैं इस फील्ड में नशा से मुक्ति दिलाने के लिए, युवा हों या कोई भी वर्ग हो उसमें, तो सरकार को थोड़ा सा उनका कहीं ना कहीं सहयोग भी करना चाहिए और एक बैठकर एक बातचीत होनी चाहिए कि आखिरकार इसको और ज़्यादा प्रभावी कैसे बनाया जाए।
बिल्कुल राखी जी, जो समाज से इस तरह के जो नशा होता है उनको ख़त्म करने के लिए कई संस्थाएं तो काम कर रही है, लेकिन शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से उनको भी एक आर्थिक सहयोग भी देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो है कि जो भी इस तरह की संस्थाएं हैं, वो जब व्यक्ति नशा करता है, चाहे तो वो युवा हो या फिर हमारी जो न्यू जनरेशन है, वो नशा आखिर करने की वजह क्या है, खास तो उनकी काउंसलिंग करना आवश्यक है। क्योंकि कई बार व्यक्ति जब तनाव में आता है तो नशा करता है, या फिर कई बार खुशी जब होती है, खुशी के कुछ अच्छे पल होते तो नशा करता है। आखिर नशा एक लिमिट तक यदि करता है तो वो एक ठीक हो सकता है, लेकिन जब उसकी हदें पार कर ली जाती हैं और उसकी जो नशा होता है उसमें ही व्यक्ति डूब जाता है, वो नशे के अलावा कुछ नहीं दिखता है, तो वो फिर कहीं ना कहीं अपने आप को भी ख़त्म करता है, परिवार को भी इसकी कई बार परेशानियों का सामना करना होता है। राकेश जी, ये भी देखने को मिला है कि जो व्यक्ति नशा करता है तो उसके घर में कई बार मानसिक तनाव भी होते हैं, लड़ाई झगड़े भी करता है, तो कई वजह होती है। तो इस तरह का जो नशा है वो समाज में भी एक बुराइयों को पैदा करता है और कहीं ना कहीं लोगों में इसका एक गलत मैसेज भी ज़्यादा होता जा रहा है। बिल्कुल। एक कॉलर जुड़े हैं सतना से, रमेश सेन। रमेश जी, बहुत स्वागत, जुड़ने के लिए क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं निवेदन ये करना चाहता था, ये मेरा एक विचार जा रहा है, ये नशाखोरी जो फैली हुई है समाज में, तो नशे तो तमाम लोग करते हैं वो ठीक है, लेकिन जो युवा नशे का शिकार हो रहे हैं उस संबंध में आपके माध्यम से मैं शासन प्रशासन का ध्यान अच्छी ग्रहण करता हूँ। और इतनी ज्यादा विडम्बना है हमारे पूरे क्षेत्र में कि आप समझिए कि गांव देहातों में लेकर के दवा की दुकानों में लेकर के किराना की दुकान देखिए, पान की घूमती देखिए, होटलों में देखिए, हर जगह ये नशे की गोलियां जो आप जो भी आती है, मैं तो बहुत सी गोलियों को नाम नहीं जानता, क्योंकि ये सिकोरेक्स हैं और यूज कर जाती है, जिसमें युवा वर्ग बेहद तरीके से उसका शिकार हो रहा है और उसका दुष्परिणाम मैं समझता हूँ पूरे परिवार को हो मिल रहा है, पूरे शहर क्षेत्र का जो है एक विनाश की ओर अपन देख रहे हैं, युवा वर्ग बढ़ता जा रहा है। क्या कर सकते हैं, आपका कोई सुझाव है इसको, इस गर्त में जो युवा कैसे बाहर निकाले? तो ये मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, इसलिए कायदे से तो एक तो शिक्षा की कमी है और मुझे लगता है कि जो गरीब वर्ग के लोग हैं वो ज्यादा शिक्षा हुए हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, मुझे मैं ये भी कह सकता हूँ पूरी निर्भयता के साथ कि जो इसमें पुलिस का जो विभाग है इनकी मिली भगत से ही सब कुछ होता है। मैं यूँ कहूँ कि पुलिस के संरक्षण में ये धंधा चल रहा है तो कोई गलत बात नहीं होगी। मैं चाहता हूँ पुलिस विभाग को सुस्त किया जाए और अच्छी तरह से वो इसकी सघन जांच करें और युवाओं को प्रेरित करें और समाज में कुछ ऐसे वर्ग शिविर भी लगने चाहिए ताकि ऐसे लोगों को एक दूसरी ओर डाइवर्ट किया जाए जो सही मार्ग हो, उनके जीवन को अच्छे मार्ग में ले जाने के लिए एक अच्छा तरीका हो। मैं इसे सुझाव दे सकता हूँ। बिल्कुल, चलिए रमेश जी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो बहुत महत्वपूर्ण बातें रमेश जी ने भी कही हैं। देखिए बात वही है, लेकिन इन्होंने एक बड़ा आरोप पुलिस प्रशासन पर लगाया है, वही बात जो हमने पहले कही थी कि सख्ती प्रशासन करता है, चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मिलीभगत होती है, क्योंकि आप इतनी कार्रवाई कर रहे हो, आप इतने लोगों को गिरफ्त में लेते हो, आप इतनी बड़ी बड़ी खेप को पकड़ते हो, उस वक्त पे तो सब कुछ दिखता है लेकिन बाद में ना जाने क्या हो जाता है, लेकिन ऐसी घटनाओं पर खात्मा नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ मिलीभगत है, कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बाद बहुत ज़्यादा इसको गंभीरता से नहीं लिया जाता, लेकिन इसको वाकई में हमें गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि आज की स्थितियाँ जो युवाओं की है वो वाकई में बद से बदतर होती जा रही हैं नशे की गर्त में जाकर। बिल्कुल राकेश जी, क्योंकि कई बार देखने को अक्सर ये देखने को मिलता है कि स्कूल या कॉलेज और जो मार्केट बाज़ार जो होते हैं उसमें जो दुकानें हैं, दुकानों पर कई तरह के नशे रखे, नशे की जो सामग्री है वो उपलब्ध रहती है, सिगरेट भी उपलब्ध रहती है, बीड़ी तंबाकू, तो ये यदि स्कूल कॉलेज के पास भी यदि है तो युवा जो है वो आसानी से इसका सेवन भी कर सकता है। तो प्रशासन को जो सार्वजनिक स्थल है, मुझे लगता है कि इनको प्रतिबंधित भी करना चाहिए और इतनी आसानी से नहीं मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो युवा इसका सेवन करता है वो उन युवाओं को जागरूक भी करना चाहिए, जो या तो स्कूल वगैरह कॉलेज हैं उसमें भी अलग से इनको इसके प्रति शिक्षित करना चाहिए, उनको बताना भी चाहिए कि इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं और इससे इसके सेवन से, क्योंकि जब सिगरेट वगैरह का या तंबाकू का ज़्यादा उपयोग करते हैं तो कई बार उसके सेवन से कैंसर जो घातक बीमारी होती है उससे भी युवा जो है उसकी ओर बढ़ते जा रहे हैं और
अक्सर राकेश जी ये भी देखने को मिल रहा है कि जो युवा पीढ़ी है कहीं ना कहीं इस बार अधिकांशतः जो है ना नई नई बीमारियों को न्योता भी दे रहे हैं, क्योंकि जो सिगरेट है या जो नशीले पदार्थ हैं, जो नशीले दवाइयां हैं उनका उपयोग करता है, तो कहीं ना कहीं वो जो शरीर है उसका प्रभाव शरीर पर ही देखने को मिलता है। तो आपने कई बार देखा होगा कि जो सिगरेट होता है या पैकेट होता है उसके ऊपर कैंसर का एक सैंपल भी बना होता है, उस पर छोटे अक्षरों में लिखा होता है कि धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बावजूद इसके भी लोग इसका सेवन करते हैं, जो उसके निर्देश होते हैं उसमें जो लिखा होता है उसका भी उसके दुष्परिणाम पता होने के बावजूद भी करता है। तो क्योंकि व्यक्ति इसका एक आदि हो जाता है, नशे का जब आदि हो जाता है तो उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करें। तो मुझे ये लगता है कि प्रशासन को इस तरह के जो नशे के आदि लोग होते हैं उनकी काउंसलिंग करना चाहिए, और सबसे बड़ी बात तो ये कि किस जो नशा करते हैं उनको समय समय पर अवेयर भी करना चाहिए, वो समाज को भी अवेयर करें ताकि इस तरह का जो नशा है, नशे में जो युवा नशे की ओर बढ़ते जा रहे हैं तो उनमें कमी हो और धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी एक जिम्मेदारी है, वो समाज की भी है, घर परिवार की भी है। तो यदि ये हमारी युवा जो नई पीढ़ी है नशे की तरफ बढ़ती जाएगी तो कहीं ना कहीं मानसिक जो युवाओं का विकास है वो भी खत्म होता चला जाएगा, और जो देश में एक विकास होना चाहिए आने वाले समय में या वर्तमान समय में युवाओं के द्वारा जो विकास होता है तो वो विकास भी रुक जाएगा, और जो युवाओं का एक मानसिक जो संतुलन होता है वो भी खराब हो जाता है। तो वो जो अपना जो माइंड है वो एक प्रोग्रेस की ओर बढ़ाना चाहिए या नए कार्यों की ओर बढ़ाना चाहिए, तो वो भी कहीं ना कहीं स्थिर हो जाता है, और व्यक्ति कहीं ना कहीं नशे के चलते गलत कदम उठाने के लिए भी तैयार हो जाता है। बिल्कुल, तो देखिए नशे की गर्त में युवा, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ये अभिशाप ही है, और जितना विस्तार इसका हुआ है मुझे लगता है उतना ही विस्तार बराबरी से इसके खात्मे के लिए भी होना चाहिए। जो संस्थाएं हैं इसके लिए काम करती हैं, नशा मुक्ति के लिए काम करती हैं, यदि जागरूक कर सकते हैं, इन्हें समझा सकते हैं तो वो भी किया जा सकता है। सख्ती की यदि हम बात करें तो जितनी तेज़ी से नशे का कारोबार फैला है, बढ़ा है, लोग इसमें जुड़े हैं, मुझे लगता है सख्ती उतनी ज़्यादा स्पीड से हो जाए या इन चीज़ों को बैन किया जाए तो शायद कुछ हद तक हम मान लें कि इन तमाम चीज़ों से राहत मिलेगी। लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है, और मुश्किल इसलिए है क्योंकि हमने कहा कहीं ना कहीं मिलीभगत की बात भी देखने को मिलती है, और ये बिल्कुल होता है, ये कुछ कॉलर्स ने भी कहा कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती हैं। आप अपने फ़ायदे के लिए किसी दूसरे के साथ गलत नहीं कर सकते हैं, यही चीज़ युवाओं के साथ भी है कि आप इस तरह की चीज़ें मत करिए। देखिए थोड़ा बहुत, जैसा कि भारती जी ने भी कहा कि कभी खुशी होती है, कभी आपको तनाव होता है, ठीक है, लेकिन आप इतने हैबिचुअल मत होइए कि आप अपना भविष्य बर्बाद कर लें, क्योंकि उससे ज़्यादा आपको आगे कुछ भी नहीं मिलेगा। और मुझे लगता है ये बहुत समझदारी का विषय है कि लोगों को क्या करना है। आज के युवा इतने समझदार और जागरूक हैं, उनको ये चीज़ें समझ में आती हैं, उनको अलग से कोई चीज़ या किसी अभियान की ज़रूरत नहीं है, और इसके दुष्परिणाम भी हम देखते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि नशे की गिरफ्त में जाने के बाद हमें पता नहीं कि क्या होगा, इसके दुष्परिणाम भी तमाम जगह हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। तो मुझे लगता है जब आपको ये चीज़ पता है कि इसके साथ जाने के बाद हमारे साथ ये हो सकता है या हमारे फ्यूचर में ये हो सकता है, तो मुझे लगता है कि अब आपको चुनना है कि कितना सही है और कितना गलत है। और एक बार फिर से मैं यही कहूँगी कि आप लोगों के सुझाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और निश्चित तौर पर ये सुझाव जिम्मेदारों तक जाएं, जो इनके एक्सपर्ट्स हैं वो निश्चित तौर पर बहुत हद तक बता सकते हैं कि आखिरकार ये तमाम चीज़ें क्यों होती हैं, लोगों को कैसे बचना है, लोगों को कैसे कंट्रोल करना है, आपको अपनी लाइफस्टाइल में कैसे करना है सारी चीज़ों को मॉडिफाई, ये आपको ही देखना होगा। चलते चलते भारती जी कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल राखी जी, मैं जो भी हमारे युवा हैं उनको एक संदेश देना चाहूँगा कि नशे की जो लत है या नशे का जिस तरह से सेवन करते हैं तो कहीं ना कहीं ये खुद के लिए एवं समाज के लिए, देश के लिए कहीं ना कहीं ये हानिकारक है, और जो ऊर्जा व्यक्ति में होती है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती चली जा रही है, और जो युवा हैं देश के विकास के लिए बहुत आवश्यक है, उनकी एनर्जी बहुत आवश्यक है। तो नशे का जो सेवन करते हैं तो मेरी अपील यही रहेगी कि युवाओं से कि वो नशे के आदि ना रहे, नशे का जो सेवन करते हैं वो नशे को कहीं ना कहीं त्याग कर दें, और बस यही रहेगा कि नशा यदि
व्यक्ति मुक्त हो जाएगा तो देश एवं अपने खुद के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए कहीं ना कहीं वो सकारात्मक सोच करते हुए देश को एक विकास की ओर ले जा पाएगा। बिल्कुल, तो आज हमने चर्चा की नशे की गर्त में युवा, और देखिए नशे की गर्त में युवा है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, और इन लोगों को कितना जागरूक खुद होना पड़ेगा। आम नागरिक जो हमारे साथ जुड़े, जो हमारे साथ हमारे कॉलर्स जुड़े थे, उनके सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है, उन्होंने भी अपने सुझाव दिए। मुझे लगता है बहुत समझना होगा, बहुत गंभीरता से इन तमाम चीज़ों को लेना होगा, और एक अपील वही करना चाहेंगे कि इस गर्त में मत जाइए, क्योंकि निश्चित तौर पर सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान होना है। आज सुनो सरकार के इस खास विषय में इतना ही, कल नए विषय के साथ मिलेंगे। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।